कब्रिस्तान में ताला लगाने वाले थे, क्या मसला था? मसला ये जो पहले जो कब्रें खोदते थे तो उसमें से सिर्फ हड्डियाँ निकलती थी, अब जब कब्र खोदते हम लोग। तुम क्या करते हो? मैं कब्र खोदता हूँ। अच्छा, कब्रिस्तान में 12 साल से इस कब्रिस्तान में कब्र खोद रहा हूँ। अब पहले जो थी सिर्फ हड्डियाँ निकलती थी उसमें से। अच्छा। अब हड्डियों के साथ में गोश भी लगा हुआ रहता है। अच्छा अच्छा। अब जो हम लोग ने टाइम ट्रेड जो कब्रिस्तान का रखा हुआ 1 साल का रखा हुआ था, लेकिन अभी आबादी के हिसाब से रोज 4 दिन में 4-5 मैयत होती है। तो अभी जो 1 साल का गैप होता था वो नहीं हो पा रहा, अब 8-9 महीने में हम लोग को कब्र खोदना पड़ रहा है। अच्छा। तो उसमें से पूरी तरह से बॉडी डिस्पोज नहीं हो पाती। अच्छा। तो उसमें से हम लोग को खोदने के लिए भी तकलीफ होती है, और जो मैयत के घर वाले रहते उस चीज़ को समझते नहीं है। अच्छा। उन लोग ये समझते हैं कि हम लोग जान पूछ के वो ताजी कब्रें खोद रहे। अच्छा। लेकिन हालात जो है वो नहीं देखते उन लोग। अच्छा। जगह कम है, जगह कम है, अभी मैयतें ज्यादा आ रही है। अभी 3 दिन के अंदर 13 मैयत हुई है। अच्छा अच्छा, 3 दिन में 13 मैयत हुई है। अभी उसके हिसाब से आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी जगह कब्रिस्तान में कम पड़ रही है, क्या हो रहा है। हाँ लियाकत भाई, क्या हुआ ये आज आप लोग जो है कब्रिस्तान में ताला लगाने वाले थे? कब्रिस्तान का ऐसा है, पहले ये हमारे गांव के 10 खानदान का कब्रिस्तान था जी। अभी क्या हो गया, आबादी बढ़ गई जी, और कब्रिस्तान का इतना बड़ा हिस्सा है जी। मुमरा की आबादी 2 लाख जी, और कौसा की आबादी 7 लाख जी। 7 लाख के लिए 1 एकड़ कब्रिस्तान, ये हमारे खानदान लोग का था। अच्छा। और मुमरा का जो कब्रिस्तान है 2 लाख पब्लिक के लिए 6 एकड़ का कब्रिस्तान जी। बिल्डर लोगों ने बिल्डिंगें बनाए लेकिन कब्रिस्तान के बारे में किसी ने सोचा नहीं जी। और आज की पोजीशन ये है कि जो कब्र खोदे उसमें 6-6 बॉडी निकलती है जी, ताज़ी जी। लोग जिनकी मैयत होती है वो लोग आके कब्र खोदू से झगड़ा करते जी। इसलिए हम लोग गांव वाले, कौसा जामा मस्जिद, कौसा कब्रिस्तान कमेटी ने ऐसा डिसीजन लिया जी, क्योंकि वो मीटिंग में हम लोग भी थे कमिश्नर के इधर। कमिश्नर ने कहा था कि 2 अक्टूबर को हम लोग तुमको कब्रिस्तान अलॉटमेंट करेंगे जी। तो हमने कहा था अगर 2 अक्टूबर को कब्रिस्तान अलॉट नहीं किए तो हम 3 अक्टूबर को हमारे कौसा कब्रिस्तान में ताला लगा देंगे। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या डिसाइड हुआ? सीनियर साहब का मान रखते हुए और नेता लोग के फोन आ रहे। अच्छा। सीनियर साहब ने रिक्वेस्ट किया कि अब 1 महीने का टाइम मांगी है म्युनिसिपैलिटी ने, तो टाइम दो। इसलिए हम लोग सीनियर साहब का, अवार्ड साहब का मान रखते हुए। अच्छा। 1 नवंबर तक रास्ता देखेंगे। लास्ट ईयर भी जो है इसी तरह की जो मांग की गई। हाँ। मोहलत मांगी गई थी, मोहलत खाली मोहलत मांगते, दूसरा कुछ नहीं करते। अच्छा, कैमरा रोल रुको ना रुको ना, मान लिए नहीं, यहाँ से रिपोर्ट भेज देंगे। हुआ नहीं ना इनका अभी, ये लोग कह रहे हैं कि आपका मान रखते हुए जो है ये आज जो है स्थगित कर रहे हैं जो ताला लगाने वाले थे आज। लिया कल भाई।